हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग 2019 में जो मिले भारत रत्न हैं उनके बारे में, तीन लोगों को मिला है उनके बारे में देखेंगे। मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा, साथ ही साथ ये शॉर्ट वीडियोज है। शॉर्ट वीडियोज में आपको फ़ायदा क्या होता है, इसमें आप 4 से 5 6 मिनट में अपना 10 मिनट के अंदर ही अपना 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। देखो, और भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। देखो, ये भारत रत्न आप देख लीजिए, ये भारत रत्न है, ये इसका सिंबल है भारत रत्न का। आप देखिए, यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ है और यहाँ इसका ये बैक साइड हुआ है, ठीक है? तो ये भारत रत्न है यहाँ अपना इंडिया का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कुछ हम जानकारी देंगे जो भारत रत्न के बारे में, वो आप समझना। देखिएगा, देखिए, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 25 जनवरी 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कौन कौन है भाई? ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं, इनको तो जानते होंगे, प्रणब मुखर्जी हैं। और प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका हैं। और समाज सेवी नानाजी देशमुख, ये तीन लोगों को जो मिला हुआ है भारत रत्न। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, यानी कि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आप सभी लोग जानते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है। सरकार ने 4 वर्ष बाद भारत रत्न से सम्मान की घोषणा की, यानी कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्षों से भारत रत्न नहीं दिया गया था। इससे पहले वर्ष 2015 में दिया गया था। देखो, एक क्वेश्चन बन गया, तो इससे पहले कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है किसको मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत ने मिला था, को भारत रत्न दिया गया था। इससे पहले दो लोगों को 2015 में दिया गया था। 20 वर्ष बाद यह पहला अवसर है जो दो से अधिक लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया है। इससे पहले वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, डॉक्टर अमृत सेन, देखो कई बार आता है अमृत सेन को पुरस्कार मिला कि नहीं, गोपीनाथ बारदोली, चार लोगों को ये भारत रत्न दिया गया था 1999 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के तीसरे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि ये तीन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है राष्ट्रपति के लिए। इससे पहले बीवी गिरी 1975 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति तो ये भी रह चुके हैं, लेकिन अभी देखो नीचे क्या कहा जाएगा, राष्ट्रपति ये भी रह चुके हैं, 1997 में मिला था। जाकिर हुसैन को भी मिला है 1962 में, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 को मिला है, भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखो क्या करें, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, परंतु इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था, तो इसीलिए इनका ये काउंट नहीं होगा। तो जो प्रणब मुखर्जी हैं वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हो गए जिन्हें ये भारत रत्न मिला है? 3 नंबर के, तीसरे। इससे पहले बीबी गिरी और राजेंद्र प्रसाद को ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। नानाजी देशमुख पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत रत्न से सम्मानित आरएसएस से जुड़े दूसरे नेता हैं। इस वर्ष की घोषणा के बाद भारत रत्न से सम्मानित विभूतियों की संख्या, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित विभूतियों की संख्या कितनी हो गई, कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। चलिए देखते हैं, अब जिन लोगों को भारत रत्न मिला है उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखो, तीन लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है, तीन लोगों को। सबसे पहले मिला हुआ है, यहां पर देखते हैं, भूपेन हजारिका। इनके बारे में देखो, ये इनकी फोटो मैंने लगा दी है, भूपेन हजारिका साहब की, तो इन्हें मिला है मरणोपरांत, मरणोपरांत मिला, ध्यान रखना, दो लोगों को मरणोपरांत मिला है, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला हुआ है, दो लोगों को मरणोपरांत। भारत रत्न सम्मानित भूपेन हजारिका असम के बहुमुखी, देखो पूछा जाएगा कहां, असम के बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे असम के। पद्मश्री, देखो इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के इन्हें मिल चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी,
दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के, असम रत्न क्योंकि इन्होंने एक मूवी लिखी थी शकुंतला मूवी, शकुंतला फिल्म का इन्होंने डायरेक्शन किया था। तो ये असम में, ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असम में लोहित नदी बहती है, लोहित नदी करंट का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की क्या है, ये सहायक नदी है। पर बनाए गए देश के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल, देखो पूछा जाएगा असम में बना हुआ है क्या ढोला सदिया पुल, का नामकरण हाल ही में भूपेन हजारिका के नाम पर कर दिया गया। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से कितना इंपॉर्टेंट आया कि असम में लोहित नदी बहती है, वो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पर बनाए गए देश के सबसे लंबे ढोला नदी या पुल का नामकरण हाल ही में भूपेन हजारिका के नाम से किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख इनकी मूवी, इनकी जो पिक्चर नहीं मिली है आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इनकी फोटो, यहाँ पर जो यूजेज राइट होते हैं जिन पिक्चर्स का उन्हीं को लगा सकते हैं, उनमें से भी एक भी फोटो नहीं यहाँ पर थी, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं नानाजी देशमुख को। ठीक है, मरणोपरांत इन्हें भी मिला है, देखो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए समाज सेवी, ये देखो समाज सेवी। नानाजी देशमुख का पूरा नाम चंडिका दास अमृत राव देशमुख था, चंडिका दास अमृत राव देशमुख था। पिता का नाम अमृत राव था, माता राजाबाई देशमुख था। वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं नानाजी देशमुख। ठीक है, इतना आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में सब कोई जानता है भाई, ये तो हाल ही की बात ही है। प्रणब मुखर्जी, ये इनकी मैंने पिक्चर भी लगा दी हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 में, देखो कहाँ 1935 में, जब 1935 का अधिनियम आया था उसी अधिनियम में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के बारे में मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, उनमें आप डिटेल से देख सकते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था 1935 में। वे वर्ष 2012 से 2017 तक के भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ध्यान को 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस समय जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद है वो 14वें नंबर के हैं, और वो जो बिलोंग करते हैं वो कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात है, इन्होंने तीन बुक लिखी है, एक ड्रामेटिक और एक लिखी हुई है द ट्रुबुलेंट ईयर्स और द कोलिजन रियर्स नामक पुस्तक भी लिख चुके हैं। वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तीन फेमस पर्सनालिटी थी जिनके बारे में आपने जाना। ठीक है, तो फिर हम लोग इतने रखते हैं इस लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम आपके लिए कुछ और लाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमें सब्सक्राइब करें चैनल को, और चाहते हैं कि और भी वीडियोज आपको मज़ेदार ऐसे मिलते रहें तो अपने हाईवे क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।